नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक टिड्डी का जो दल होता है, एक जो लोकस स्वार्म होता है, उसके अंदर 80 लाख से 2 करोड़ तक की टिड्डियां हो सकती हैं। ये जो टिड्डी दल है, जो लोकस स्वार्म है, वो एक बार में इन वन टाइम एक स्वार्म 2500 से 3000 लोगों का खाना एक दिन में साफ कर सकता है। ये पूरी की पूरी फसलों को, वेजिटेशन को तबाह कर सकता है। एक दिन में 150 किलोमीटर तक की जर्नी कर लेने वाला ये छोटा सा इंसेक्ट इतना मैसिव अटैकर हो सकता है एक ग्रुप्स के अंदर। क्यों ये ऐसा ग्रुप फिनोमिना इसके अंदर मिलता है, क्यों इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, क्यों ये इंडिया में इस मौसम में, बेमौसम इंडिया में एंटर हो रहे हैं, इंडिया में दे आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ दिल्ली, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कौन है लोकस्ट स्वार्म, कौन है डेजर्ट लोकस्ट, क्या इनकी बिहेवियर है और किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं, क्या इनको चाहिए, कैसे हम इनको कंट्रोल करेंगे, आज इसी एनालिसिस में हम ये सब चीजें इन डेप्थ जानेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि ये टॉपिक आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहां आप जो इंसेक्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, दैट इज डेजर्ट लोकस्ट या डेजर्ट ग्रासहॉपर। इसकी खास बात क्या होती है, इट्स अ फैमिली फ्रॉम द ग्रासहॉपर की फैमिली से ही है, लेकिन इसके जो हॉर्न्स हैं दे आर स्मॉल एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ माइग्रेटरी नेचर, यानी ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जनरली इसकी जो बिहेवियर है वो माइग्रेटरी होता है। तो इस सेशन में जो हमारा डिस्कशन के पॉइंट रहेंगे और आपको जो जानकारी मिल सकेगी, that is what is locust swarm, क्या है, from where it's coming into the India, how its number became so massive this time, why it's dangerous, how to control it, international organizations and Indian organizations to control it. So what is locust? Locust क्या है? Locust एक Latin word है जिसका meaning होता है locusta, जिसका जो word है original Latin word जो है उसका वो है locusta, जिसका मीनिंग होता है ग्रास हॉपर। तो डेजर्ट लोकस्ट, जैसा कि मैंने बताया, दीज आर शॉर्ट हॉर्न्ड, ये जो इसका हॉर्न है दैट इज शॉर्ट हॉर्न, ओके, एंड हाईली माइग्रेटरी इन नेचर। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 90 डेज का है, यानी करीब 3 महीने तक ये जिंदा रहता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक दिन में करीब करीब 150 किलोमीटर की जर्नी कर सकता है। तो लोकस्ट की 4 स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं, जो इंडिया में भी मिलती हैं, दैट इज डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। याद रखिएगा, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस जो जनरल करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट रहे होते हैं, उनसे इन डेप्थ में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये चारों स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं। डेजर्ट लोकस्ट की यदि हम बात करें, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो लोकस्ट स्वार्म हुआ है वो डेजर्ट लोकस्ट का ही है। तो डेजर्ट लोकस्ट जो है वो बेसिकली डेजर्ट वर्ड अपने आप में इस बात को बताता है कि दे आर इनहेबिटेंट्स इन सऊदी अरेबिया। तो जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें जो अरेबियन डेजर्ट है वहां का रहने वाला है। मानसून विंड्स के साथ जनरली जुलाई अगस्त के महीने में लोकस्ट इंडिया में आता रहा है, और इंडिया में जो राजस्थान गुजरात का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां जनरली ये ब्रीड करते हैं और उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक वापस अरेबियन पेनिनसुला की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जनरली जो लोकस्ट है वो ऐसा नहीं है कि हर बार एक स्वार्म बनाएगा, हर बार एक ग्रुप बनाएगा। तो जो जनरली जो लोकस्ट है वो सॉलिटरी है, यानी अकेला रहता है, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ये सर्कमस्टेंसेस हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों इस बार इसका स्वार्म हुआ है। इट बिकेम मोर एबंडेंट एंड चेंज देयर बिहेवियर एंड हैबिटेट्स एंड बिकमिंग ग्रिगेरियस, यानी जो ये सामूहिक बिहेवियर है, इट्स अ सोशलिस्टिक काइंड ऑफ बिहेवियर जो ये शो कर रहा है, इतने बड़े ग्रुप में जो एक साथ ट्रेवल कर रहा है, ये जो सारी चीजें हैं इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, ग्रिगेरियस बिहेवियर। तो लोकस्ट वर्ड का मतलब आपको समझ आया, इट्स बेसिकली
ग्रासहॉपर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वार्म? स्वार्म क्या है? स्वार्म क्या मतलब होता है? कलेक्टिव बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय एंटिटी और एनिमल और इंसेक्ट और बर्ड, इट मे बी एनीथिंग, विच एग्रीगेट टूगेदर, यानी साथ आती हैं पहले, मूविंग एंड मास, एक साथ चलते हैं इन द सेम डायरेक्शन और इन वेरी इंटरडिसिप्लिनरी मैनर. अब ये जो ग्रुप बनता है इस तरीके के बिहेवियर की वजह से, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? यदि ये निम्फ स्टेज में है, मतलब जो उनके लार्वा की स्टेज है, उसमें जो स्वार्म, उसमें जो लोकस्ट का ग्रुप बना हुआ है, उसको हम कहते हैं बैंड. और जब ये एडल्ट हो जाता है और ये बहुत मैसिव ग्रुप बना लेता है, तो इसे हम कहते हैं स्वार्म. तो स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एनिमल एंटिटी जो कि पहले एक साथ आए, फिर एक साथ एक जैसा बिहेवियर करना शुरू करें, एक साथ उड़ने लगे, एक साथ माइग्रेशन शुरू करें और सेम डायरेक्शन में माइग्रेशन शुरू करें. यानी सिंपल भाषा में कहें तो दे स्टे टुगेदर, फीड टुगेदर एंड ब्रीड टुगेदर. अब देखिए, एक साथ इतनी पॉपुलेशन एक साथ ब्रीडिंग करेगी तो पॉपुलेशन का जो डबलिंग टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, और इसी वजह से इनका जो नंबर है वो इतना मैसिव हो जाता है कि ये एक पूरा की पूरा बहुत बड़ा बड़ा एरिया कवर कर देते हैं. तो एक स्वार्म जो होता है, एक जो इनका पूरा दल होता है, उसके अंदर करीब 80 लाख लोकस्ट होते हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1875 में यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक लोकस्ट स्वार्म को रिपोर्ट किया, जिसका की एरिया, कैन यू बिलीव दैट, इट वॉज 512817 स्क्वायर किलोमीटर्स. दिल्ली का एनसीआर का जो साइज है वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का ही है सिर्फ. और आप देखिए, इतना बड़ा स्वयं भी, जिसे कहते हैं एक जायंट, जैसे फ्लाई कर रहा हो इस तरीके का रूप, ये छोटे छोटे कीड़े मिलके ले सकते हैं. आप ये बात देख सकते हैं कि प्रकृति में हर एक स्पीशीज कितनी खतरनाक हो सकती है यदि उसका नंबर कंट्रोल ना किया जाए. और इसीलिए नेचर में फूड चेन और फूड वेव का कंसेप्ट होता है, यानी एक प्रे का एक प्रीडेटर होता है. अब आप देखिए, एक लोकस्ट या जो डेजर्ट लोकस्ट है, उसकी एक अकेले की पॉपुलेशन यदि अनलिमिटेड तरीके से ग्रो होने लग जाए और उसको सारी फेवरेबल कंडीशन मिलने लगे, तो किस तरीके का हैवॉक, किस तरीके का मैनिक ये क्रिएट कर सकते हैं. तो ये एक पिक्चर है, लोकस्ट हैव अटैक्ड जयपुर. जयपुर अर्बन एरिया में लोकस्ट देखे गए, नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए इन एरियाज को भी ये अटैक कर रहे हैं. एक और वर्ड जो पॉपुलर हुआ है, दैट इज प्लेग ऑफ लोकस्ट. जनरली हमारे लिए प्लेग वर्ड जो मीनिंग होता है वो हम रैट से एसोसिएट करते हैं, कि चूहों से प्लेग की बीमारी फैलती थी. एंड दिस इज द कॉमन बिलीव, कॉमन कंसेप्ट है. बिल्कुल ठीक है. प्लेग वर्ड का मतलब क्या होता है? कि कोई भी एनिमल या कोई भी इंसेक्ट जिसका नंबर अनकंट्रोल्ड और हार्मफुली इंक्रीज हो जाए, चाहे वो रैट हो या डेजर्ट लोकस्ट हो या फिर कोई और एनिमल या इंसेक्ट हो. तो प्लेग ऑफ रैट भी ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट भी ठीक है. यानी कोई भी चीज, कोई भी एनिमल इंसेक्ट जिसका नंबर इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाए, बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए, उस चीज को प्लेग वर्ड कहा गया है. अब प्लेग ऑफ रैट हो सकती है, प्लेग ऑफ लोकस्ट भी हो सकता है. अब ये जो लोकस्ट का अटैक है, ये भी काफी पहले से होता आ रहा है और इसको बाइबल में और कुरान में मेंशन किया गया है. अब देखिए, इनका नंबर इतना कैसे बढ़ गया? ये जो लोकस्ट का अटैक है, ये सऊदी अरेबिया से स्टार्ट होके इसका एक विंग सोमालिया और नॉर्थ ईस्टर्न जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसकी कंट्रीज को अटैक कर रहा है. एक जो इसका विंग है सऊदी अरेबिया से सदर्न ईरान, सदर्न पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में राजस्थान बॉर्डर से एंटर कर रहा है. सो व्हाई द नंबर इज सो हैवी, व्हाई द नंबर इज सो मैसिव, दिस इज द क्यूरियस क्वेश्चन. देखिए, थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो पूरी कहानी है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 2018. ये जो नंबर इतना मैसिव हुआ है, इसकी कंडीशंस 2018 से बनी है और 2020 में आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं,
तब ये इतना मैसिव हो चुका है कि ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, नॉकिंग द डोर्स ऑफ दिल्ली, राजस्थान से चलता हुआ। और भी इंडिया के बहुत सारे एरियाज में ये अपना नुकसान कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड इन 2018? देखिए, लोकस्ट जो है वो सऊदी अरेबिया का रहने वाला है, ये बात आपको क्लियर हो गई। डेजर्ट लोकस्ट इज नेटिव फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अब 2018 में पर्टिकुलरली क्या हुआ कि दो साइक्लोन, मई में आया मेकुनु और अक्टूबर में आया लुबान, ये दो साइक्लोन्स की वजह से 2018 में जो डेजर्ट है अरेबिया का, उसके सदर्न रीजन में अनयूजुअल रेन हुई, अनयूजुअल विंड पैटर्न सेट हुआ। अब देखिए, रेन के होने की वजह से क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी हुई एंड वेजिटेशन ग्रो हुई, और उस सऊदी अरब के डेजर्ट में एक लेक भी बन गई जिसे रब अल खली लेक का नाम दिया गया, जो डेजर्ट में इस अनयूजुअल साइक्लोन की वजह से डेवलप हुई। अब इन साइक्लोन्स में जनरली ये साइक्लोन जो है 5 साल में एक बार कभी अरेबियन पेनिनसुला में बारिश करते हैं, बट इस बार ये जो दो साइक्लोन 1-to-1 एक साथ आए, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया का जो सदर्न रीजन है उसका क्लाइमेट काफी बदल गया, और ऐसा जो लेक डेवलप होने का फिनोमेना है ये तो 20 साल में एक बार हुआ है। अब इस ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और ग्रीनरी की वजह से क्या हुआ कि ये जो डेजर्ट लोकस्ट है इसके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन पैदा हुई ग्रो करने के लिए, तो इनका नंबर मैसिवली 2018 में इंक्रीज होने लगा। देखिए, डेजर्ट से फेवरेबल कंडीशन पैदा हुई और नंबर स्वेल्ड हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि जो साइक्लोन का जो विंड पैटर्न था उसकी वजह से जो लोकस स्वार्म था, जो पॉपुलेशन वहां ग्रो होती जा रही थी, वो सऊदी अरेबियन पेनिनसुला में उसका रहना मुश्किल हुआ, एंड दे स्टार्टेड मूविंग साउथवर्ड टू येमन, एंड फ्रॉम येमन दे एंटर टू अफ्रीका। सोमालिया में काफी ज्यादा फेमाइन इनकी वजह से 2018 और 19 की बिगनिंग में शुरू हुआ। अब यही जो लोकस जो अरेबियन पेनिनसुला में है वो एक पार्ट उसका सदर्न मूवमेंट किया, और एक पार्ट नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो हुआ उसमें लोकस ने 2019 बिगनिंग दे रीच टू रेड सी एरिया। अब रेड सी एरिया पे भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, रेड सी एरिया पे एबनॉर्मल हाई रेन हुई, हैवी रेन हुई 2019 में, तो उस वजह से वहां भी इनको मॉइस्चर मिला, ग्रीनरी मिली, तो ये पॉपुलेशन इनकी रीग्रोथ हो गई, रीब्रीडिंग होना शुरू हो गई। अब देखिए, लोकस जो है वो इंडिया में यूजुअल टाइम क्या है, जुलाई अगस्त, और ये पाकिस्तान और ईरान पहुंचता है अप्रैल मई के बीच में। अब क्या हुआ कि 2019 में इंडिया में भी फेवरेबल कंडीशन इनके लिए थोड़ा टाइम पहले पैदा हो गई। 2019 में इंडिया के अंदर अर्ली मानसून आया, स्पेशली इन वेस्टर्न राजस्थान में, तो अर्ली मानसून यानी जो मानसून वेस्टर्न राजस्थान में जुलाई के आसपास पहुंचता था वो मानसून मिड जून से पहले ही पहुंच गया, और दूसरी बात मानसून का ड्यूरेशन भी लंबा रहा, नवंबर तक रहा, तो लोकस्ट जो है वो ईरान और पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए राजस्थान में एंटर हुआ 2019 में। अब 2019 में राजस्थान में भी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा हो गई, तो उस कंडीशन से क्या हुआ कि राजस्थान में इनकी काफी ज्यादा ब्रीडिंग हुई, और जहां पर इनका एक बार ब्रीडिंग होती थी राजस्थान में, वो ब्रीडिंग इनकी 3 बार हो गई बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ मानसून। अब उस वजह से क्या हुआ, ये देखिए, मानसून क्या था वेस्टर्न राजस्थान का, 6 वीक पहले आ गया, यानी जो है मिड जून में आ गया। दूसरी बात क्या हुई कि
ये जो जल्दी आ गया और लेट नवंबर तक रहा यानी लंबा चला मानसून, इस वजह से ये दोनों पॉइंट इनके फेवर में गए और इन्होंने 3 टाइम ब्रीडिंग कर ली। और आप बिलीव करेंगे इस बात पर या नहीं, आई डोंट नो, बट इनका जो नंबर है इट गॉट इंक्रीज 16,000 times, 16,000 गुना इनका नंबर हो गया। बट 2019 में भी इतना बड़ा नंबर नहीं इकट्ठा हुआ है कि अभी ये स्वार्म क्रिएट हो जाए और पूरे इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में हैवॉक मचा दे। तो अब उसमें क्या हुआ कि दिसंबर तक ये वापस लौट गए और पाकिस्तान और सदर्न ईरान के एरिया में ये अपना सेटल हो गए। अब देखिए जनवरी 2020 में पाकिस्तान में अनयूजुअल रेन हुई, सदर्न ईरान में अनयूजुअल रेन हुई बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये देखिए ईरान एंड साउथ वेस्ट पाकिस्तान दिस ईयर हैज रिसीव टू मच रेन। और एक और दूसरी बात हो गई, यानी 2019 में लोकस्ट राजस्थान से वापस चला गया, अब वो जो पाकिस्तान में रेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में फिर से फेवरेबल कंडीशन पैदा हो गई। अब ये कंडीशन में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर से बहुत मैसिव ग्रोथ हुई लोकस्ट की, ईरान के रीजन में मैसिव ग्रोथ हुई। अब यहां से जब लोकस्ट मार्च अप्रैल में वापस अरेबियन की साइड उसको ट्रेवल करना चाहिए था, उसकी जगह ये इंडिया की साइड ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि मार्च से लेके अप्रैल मई तक 2020 मार्च अप्रैल मई तीनों ही मंथ में इंडिया में भी अनयूजुअल रेन हुई बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। 25% मोर रेन हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम मार्च 1 टू मई 11 अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। अब इस वजह से क्या हुआ कि जो लोकस्ट है इसके लिए स्टेप बाय स्टेप टिल 2018 टू 2020 में फेवरेबल कंडीशंस इसके पूरे रूट, इसकी जो पूरी जर्नी का जो रूट है उसमें क्रिएट होती चली गई। और 2020 में इसका जो नंबर है वो इस टाइम इतना मैसिव हो चुका है कि दे आर बियॉन्ड कंट्रोल। तो इस वजह से 2020 में जो मूवमेंट हुआ वो इंडिया में वापस ये आ गए। अब देखिए इसी पूरी कहानी को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन पॉइंट जो है वहां आप देख सकते हैं दिस इज नंबर वन पॉइंट सऊदी अरेबियन। सऊदी अरेबिया में 2018 में ये यहां लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस स्लाइड को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 2018 के अंदर क्या हुआ, दो साइक्लोन आए जिसकी वजह से इनकी मैसिव ब्रीडिंग हुई, फेवरेबल कंडीशन हुई, रबल खली नाम से लेक भी वहां बन गई। अब उसमें दो तरफ उनका मूवमेंट शुरू हुआ, एक मूवमेंट शुरू हुआ नॉर्थवर्ड साइड यानी पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आए, अप्रैल 2019 में देखिए पाकिस्तान के अंदर था और मई 2019 में इंडिया में आया। इंडिया में मानसून जल्दी आ गया वेस्टर्न रीजन में, जून में ही इनके लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा हुई, जून में इनकी ब्रीडिंग भी बहुत हुई। एक जो साउथवर्ड मूवमेंट हुआ वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की साइड हुआ, उसमें जो सोमालिया केन्या और डिजिबुटी और ये इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां इसने हैवॉक किया है काफी, फेमाइन जैसी कंडीशन पैदा कर दी है। और इसकी जो ट्रुप्स हैं जो इसका जो स्वाम है वो सूडान की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये 2019 तक का मूवमेंट है। मैंने आपको बताया दिसंबर में ये वापस पाकिस्तान लौट गया, पाकिस्तान से इट वॉज सपोज टू गो सऊदी अरेबिया, बट जनवरी में पाकिस्तान में अनयूजुअल रेन हुई, उस वजह से वहां फेवरेबल कंडीशन पैदा हुई और मार्च अप्रैल में फिर से इंडिया में फेवरेबल रेन हो गई। तो इस वजह से इंडिया में ये लोकस्ट वापस आ गया। अब देखिए इंडिया में जो इसका मूवमेंट हो रहा है वो राजस्थान से ये एंटर कर रहा है, कुछ एरिया गुजरात से एंटर कर रहा है, और एक स्वाम नहीं है, ऐसे कई सारे स्वाम्स हैं, कई सारे दल हैं। अब ये राजस्थान से एंटर करता हुआ एक पार्ट इसका एंटर कर रहा है मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र में, और एक जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है हरियाणा पंजाब होते हुए दिल्ली की तरफ। तो इस तरीके से ये इंडिया में प्रेजेंटली मूव कर रहा है।
ये 2020 में जो है अपना लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर में है इंडिया का, उसने एक वार्निंग जारी की थी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों इतना डेंजरस है, व्हाई वी नीड टू वरी, एंड डेफिनेटली दिस इज द कोरोना टाइम वेयर इकोनॉमी हैज स्टॉप्ड जस्ट लाइक इट हैज स्टॉप्ड कंप्लीटली फॉर एटलीस्ट 45 डेज। तो उस टाइम में एक और नया क्राइसिस खड़ा हो गया है, ईस्टर्न फ्रंट पर साइक्लोन अम्फान रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका है, एंड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट दिस लोकस्ट अटैक इज क्रिएटिंग डेफिनेटली वरीज फॉर इंडिया। तो देखिए, जो लोकस्ट होता है, जो डेजर्ट लोकस्ट होता है, वो अपने वेट के बराबर एक दिन में खाना खा लेता है। आप सोच सकते हैं, यदि मेरा वेट 70 kg है तो कैन आई ईट 70 kg, इट्स इम्पॉसिबल, बट दे कैन। और जो एक सिंगल स्वार्म है जिसमें करीब 80 लाख लोकस्ट होते हैं, वो कैन फिनिश फूड फॉर सम 2500 पीपल इन अ डे। एक दिन के अंदर 2500 लोगों का खाना खा जाता है ये, और जितना खाना खाता है उतनी ब्रीडिंग ज्यादा होती है, और ब्रीडिंग भी एन मास हो रही है, एक साथ हो रही है, जिसे हम कहते हैं स्वार्म बिहेवियर, स्वार्मिंग बिहेवियर। तो 3 ब्रीडिंग सीजन के अंदर अंदर लोकस्ट का जो साइज है वो अपनी पॉपुलेशन का 16,000 गुना हो गया, गुना हो जाता है। तो यानी ये बढ़ते जा रहे हैं, आगे ब्रीडिंग भी करते जा रहे हैं, तो इस तरीके से इनका नंबर, जैसे जैसे ये लोकस्ट आगे बढ़ता जा रहा है, नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो इकोनॉमिक लॉस है वो आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही हैवी इकोनॉमिक लॉस होने वाला है इंडिया में। बस एक जो अच्छी बात मैं कहूं इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स में, वो यही है कि हमारे देश में रबी की फसल काटी जा चुकी है, और जो खरीफ की फसल होती है, यानी जो चावल और अदर खरीफ की जो फसलें हैं, उनका अभी बुवाई शुरू नहीं हुई है, उनकी जो सोइंग ऑफ क्रॉप है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो रबी का जो क्रॉप था उसको इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, डेफिनेटली पल्सिस के और जो ज्वार बाजरा इनकी फसलें हैं, इनको काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो 5 लाख हेक्टेयर का जो क्रॉप एरिया है राजस्थान में, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसा रिपोर्ट आई है। 16 out of 52 डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात, 17 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी जो कि एमपी से लगे हुए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डैमेज अभी भी रिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, असेसमेंट होना बाकी है क्रॉप डैमेज का, और जो एक्चुअल लॉस है वो लोकस्ट स्वार्म के करीब और 10 से 15 दिन बाद हमको जानने को मिलेगा। डेफिनेटली जो दालों की फसलें हैं, पल्सेस की जो क्रॉप्स हैं, वो भी एट स्टेक हैं एमपी के अंदर। इसके साथ साथ ऑनगोइंग कोरोना क्राइसिस, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इकोनॉमी की रफ्तार थम चुकी है, ऐसे में एक और क्राइसिस वेस्टर्न फ्रंट पर आ रहा है, और एक और जो ह्यूज डैमेज डिजास्टर जो बहुत ही हैवी साइक्लोन अम्फान ने किया है, उससे भी हम फाइट कर रहे हैं। तो देखिए, लोकस्ट कंट्रोल के 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं यहां चर्चा करूंगा। वन इज एट इंटरनेशनल लेवल, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विच इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड इज डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिस ईयर करंट अफेयर के लिए मार्क करूंगा, बिकॉज यूपीएससी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से जनरली क्वेश्चंस पूछती आई है। देन नेक्स्ट इज लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बिकॉज इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जनरली पूछ लिए जाते हैं। सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें, तो 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन के साथ ही जो है प्लेस में आया। इसका जो क्रिएशन हुआ वाज क्यूबेक कनाडा में हुआ। एफएओ जो है वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूएन की, जो कि हंगर के लिए स्पेशल एफर्ट कर रही है टू डिफीट हंगर। एफएओ इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग आल्सो टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू मॉडर्नाइज एंड इंप्रूव द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी प्रोजेक्ट्स, ensuring good nutrition and food security for all। तो इस तरीके से FAO जो है food और agriculture के क्षेत्र में world में काम कर रहा है। Directorate के बारे में बात करें, तो ये जो Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage जो थी, वो 1946 में
जो है एस्टाब्लिश हुई और इसकी जो रिकमेंडेशन थी दैट वाज वुडहेड कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ये एस्टाब्लिश हुई, यानी इट वाज ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइज करता है ऑन द ऑल मैटर्स रिलेटेड टू प्लांट प्रोटेक्शन। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये डायरेक्टरेट से पुराना है, यानी अंग्रेजों के टाइम में ये पहले एग्जिस्टेंस में आया था। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939 एंड एमल्गेटेड विद डायरेक्टरेट इन 1946 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एलडब्ल्यू इज प्रोटेक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेशन फ्रॉम द रेविजेस ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। ये एलडब्ल्यूओ का स्ट्रक्चर मैंने दिया है। इसका जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में लोकेटेड है, इसका जो फील्ड हेडक्वार्टर है वो जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है। इसके 10 सर्किल ऑफिसर ऑफिस भी हैं, जहां पर कुछ वेस्टर्न राजस्थान में है और कुछ गुजरात के रीजन में है। अब देखिए इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो बेसिकली लोकस्ट जब ट्रेवल कर रहे हैं तो इनका स्पीड काफी है, 150 किलोमीटर एक दिन में चलना है तो स्पीड काफी अच्छी खासी है। आप उड़ते हुए लोकस्ट पे कुछ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, नथिंग गोइंग टू हैपन, दे विल नॉट बी किल्ड। सो व्हाट कुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी व्हेन दे आर रेस्टिंग फेज, यानी नाइट में जब ये रेस्ट करते हैं, जब ये किसी प्लेस पर रुकते हैं, उस प्लेस पर हमें इंसेक्टिसाइड को छिड़कना है, उनको स्प्रे करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जहां ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, जहां इनके लार्वाज हैं, निम्फ स्टेज में हैं, वहां पर हम इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं, ट्रेंचेस के माध्यम से इनके लार्वाज को किल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के जो प्रयास किए जाते हैं उससे इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP ये FAO ने बनाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली हर कंट्री अपने अपने देश में इनको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। बट एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, दैट इज मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। यानी ये लोकस्ट की जो पॉपुलेशन है वो एक दिन में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, इट स्टार्टेड ग्रोइंग सिंस 2018। तो इस पॉइंट पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है कंट्रीज से कि इसका नंबर इतना स्वेल हो गया। हालांकि अनयूजुअल वेदर कंडीशंस रही हैं, बट इट हैज टू बी मॉनिटर्ड। तो जो मॉनिटरिंग और सर्विलेंस होती है उसके अंदर इसका कितना पॉपुलेशन है, कितना ग्रोथ हो रही है, कितनी ब्रीडिंग हो रही है, कितने सीजन ब्रीडिंग के हो गए, इस तरीके की मॉनिटरिंग और डाटा शेयरिंग की जाती है। और जहां पर इनकी ब्रीडिंग हो रही है वहां पर कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं, वहां इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, तो इस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफाइड इंसेक्टिसाइड्स FAO ने डेजिग्नेट किए हुए हैं, इंडिया इज यूजिंग मेलाथियॉन। So, इसकी जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है मैं बता चुका हूं, डिस्ट्रॉइंग एग मास लेड बाय इनवेडिंग स्वैम्स, डिगिंग ट्रेंचेस टू ट्रैप नेम्स, यूजिंग इंसेक्टिसाइडल बेट्स, अप्लाइंग इंसेक्टिसाइड्स टू बोथ स्वैम्स एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फ्रॉम एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। ड्रोन और एयरक्राफ्ट के थ्रू भी इनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, इनके जो रेस्टिंग प्लेस है, वहां पर स्प्रे किया जाता है। ये कुछ कंट्रोल मेजर्स के विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। एयरक्राफ्ट से भी हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं, कंट्रोल स्टाफ पूरी तरह कवर प्रोटेक्टिव किट पहन के इसका स्प्रे करता है, ग्राउंड व्हीकल्स के थ्रू भी हम स्प्रे करते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो रेस्टिंग स्टेज है उस पर स्प्रे किया जाता है और रेस्टिंग प्लेस पर। अब देखिए ये जो एक पूरा क्राइसिस है वो 2018 से लेकर 20 तक के टाइम पीरियड में क्रिएट हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि क्या कमी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे रही। तो उस हिसाब से हम देखें तो पहला जो वे फॉरवर्ड है दैट इज क्लाइमेट चेंज। डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज एक कॉज रहा है, अनयूजुअल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अनयूजुअल रेन्स जो पैदा हुई हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। तो उनकी वजह से तो क्लाइमेट चेंज के कारणों को हमें कंट्रोल करना होगा। सेकेंड थिंग, देयर इज अ नीड फॉर मोर इंटरनेशनल इंटरवेंशन एंड डेटा एक्सचेंज। तो डेटा का एक्सचेंज इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा होना चाहिए। FAO शुड बी I think it can be more active. It can generate pre-warnings, even 6 month pre-warning can be there. तो international cooperation जो बहुत जरूरी है, आपस में satellite images को share करना, आपस में locations को share करना, जहाँ इनकी breeding हो रही है, किस तरीके से इनका movement हो रहा है, तो इस तरीके का international cooperation
इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये चार कंट्रीज जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट का जो पाथ है लोकस्ट का उस पर लोकेटेड है, दे कैन क्रिएट क्लोज ग्रुप फॉर मॉनिटरिंग ऑफ लोकस्ट। इंडिया और पाकिस्तान की जनरल जो हिस्ट्री रही है लोकस्ट कंट्रोल में वो बहुत अच्छी कॉपरेशन की रही है, लेकिन आगे भी इस तरीके के कॉपरेशन को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकस्ट हमारे फूड को, हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा डेफिनेटली इंडिया में फार्मर्स के लिए रिलीफ मेजर्स की आवश्यकता होगी। इट कैन बी ए टफ टाइम फॉर फार्मर्स क्योंकि ऑनगोइंग कोविड क्राइसिस भी चल रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग टू सेल देयर क्रॉप्स एंड नाउ दिस कोरोना, दिस लोकस्ट क्राइसिस इज अगेन हॉन्टिंग देम, तो डेफिनेटली देयर विल बी नीड फॉर सम मेजर्स ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकस्ट स्वार्म इन इंडिया। आई हैव कवर्ड इन डिटेल व्हाई लोकस्ट स्वार्म हैपेंड दिस टाइम एंड व्हाट वी कैन डू सो दैट इट नॉट रिपीटेड अगेन। सो आई होप आई कुड मेक सम नॉलेज फॉर यू, आई होप आई कवर्ड दिस टॉपिक इन डिटेल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।